गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के दरगाह की छोटे से गांव रलगांव से। मेरा नाम है आशा और आज की ब्लॉगिंग मैं 8 बजे से कर रही हूँ और सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और पूरी बना रही हूँ और बना भी दी कुछ यहाँ पर बना दी कुछ बना रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद अब चलते हैं खेत में, तो आप लोगों को केदार घाटी का मौसम दिखाती हूँ मैं। और केदार घाटी का मौसम अच्छा भी है और अच्छी धूप भी खिली है और बादल भी छाए हैं और इस तरह केदार घाटी का मौसम ऐसा है आज। और हम यहाँ खेतों में आ रखे हैं और गोबर लेके भी आ रखे हैं और झंगोरे की रुपाई कर रहे हैं। हम हमारे पहाड़ों में बोलते हैं झंगोरा को, सारी लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा हो रखा है, कहीं पर नहीं होगा तो यहाँ पर कहीं सारी लगाएंगे हम। और इतना बड़ा हो रखा है ये झंगोरा, पर वो गोबर की कंडी है, वो गोबर की कंडी लाई हम खेत में डालने के लिए और इतने बड़े बड़ा हो रखा है ये बहुत। एक खेत तो लगा दी हमने नीचे वाली खेत और अब ऊपर वाली खेत है। और एक खेत हमने नीचे लगाई सारी और यहाँ से लगाई और वहाँ तक, और एक खेत ये लगाई। और हमारे पहाड़ों में बोलते हैं झंगोरा को बस सारी लगाओ, तो झंगोरे के पौधे ऐसे लगाते हैं सारी, आप लोग देख सकते हो। और ये है उधर से है ये खेत और यहाँ तक, और जहाँ पर हमारी झंगोरे की खेती है मतलब खेत है यहाँ से खाली उधर जंगल ही जंगल है और सीढ़ी नमा खेती है यहाँ। और इस तरह का नज़ारा है और नदी के पार खाली जंगल ही है, बांस बुरांस के पेड़ हैं और यहाँ नीचे है गांव और यहाँ पर मेरी बुआ का मकान है और यहाँ पर वो दिखाई दे रहा होगा वो तरसाली गांव है, वो चन्निका की धार है। और यहाँ पर सारे नीचे से ऊपर तक सीढ़ी नमा खेती है और खाली घास के पेड़ हैं यहाँ, छंचरा हो गया, बांज हो गया और खड़ीक हो गया, सारे ऐसे पेड़ हैं, मेल्टे के पेड़ हैं सारे ऐसे। और यहाँ नीचे धान की खेती भी है और झंगोरा की खेती भी है। और 12 भी बज गई है और अब चलते हैं घर, धूप भी बहुत हो गई है और दोनों खेत पर लगा दिया हमने झंगोरा सारी, तो अब चलते हैं घर। और बहुत धूप हो गई थी खेत में तो तब रास्ता भी नहीं दिखाया आप लोगों को। और घर का आके लंच बनाया और गाय भैंसों को पानी पिलाया और वो अंदर बांधे, गोबर साफ किया और मच्छर खा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो जल्दी आ गए थे घर और उस समय से घरी का काम किया। और लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और अब चाय पीते हैं और फिर घर का काम ऊपर लगते हैं। और यहाँ पर कद्दू के पौधे भी हो रखे हैं यहाँ उखल के यहाँ पे, और ये है छीमी और यहाँ पर है नारंगी का पौधा, वो बहुत बड़ा हो गया है।
और किदार घाटी का मौसम सुबह से पूरे बादल छाए हैं। और किदार घाटी का मौसम ऐसा हो रखा है, पूरा बादल छाए हैं और सूर्य देवता भी बादलों के पीछे छुप रखे हैं और इस तरह से है। और यह मकान के पीछे इतना बड़ा चट्टान है और निंगाल है। शाम के टाइम पर ऐसा ऐसा ही हो रखा है सुबह से तो आसमान। और मंदाकिनी नदी का पानी भी बहुत ज़्यादा आ रखा है क्योंकि आजकल लगातार बारिश ही हो रही है, बहुत ज़्यादा आ रखा है अभी से। सावन का महीना अभी तो बहुत दूर है, फिर इसी आषाढ़ के महीने इतनी ज़्यादा मंदाकिनी नदी बहुत ज़्यादा आ रखी है। और खेतों में भी लगे हैं लोग क्योंकि इस साल तो धान मनवा कोदा कमी हो रखा है, अभी छोटा छोटा है। और आजकल जंगल भी हरे भरे हो गए हैं। और यहाँ किचन पर मेरे बाहर से बरसाती लगा रखी थी और अंदर से टीन के पत्ते लगा रखे थे, तो यहाँ भी पूरा ऐसा हवा से ऐसा हो गया है, पूरे फट गई बरसाती। तो अभी मैं इसको ठीक करती हूँ। और गौशाला से भी आ गई हूँ मैं, गाय भैंस से दूध निकाल के और घर पे आ गई हूँ। और रात भी पड़ गई है, 7 भी बज गई है, अंधेरा भी होने बैठ गया है। और अभी तक मैंने बर्तन छाए और अब करते हैं रात के डिनर की तैयारी। पूरा अंधेरा हो गया है और बारिश भी लगने बैठ गई है। प्रेशर पर रख दिया है मैंने आलू चूल्हे में क्योंकि रात को आलू के भुटके बनेंगे और रोटी और दूध।